नमस्कार, मैं हूं देवांजलि मोइत्रा। राजधानी दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी इन दिनों पढ़ाई की वजह से कम राजनीति, मारपीट, गुंडागर्दी और विरोध प्रदर्शन की वजह से कुछ ज्यादा ही सुर्खियों में रहती। रविवार को ही जवाहरलाल यूनिवर्सिटी खून से लाल नजर आई, जहां करीब 50 की संख्या में नकाबपोश गुंडों ने जमकर हिंसा और उपद्रव किया। एक प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी में इस तरह से हुई हिंसा और गुंडागर्दी पर कई पत्रकार भी भड़क गए। राजदीप सरदेसाई, अजीत अंजुम, बरखा दत्त, सुशांत सिन्हा जैसे वरिष्ठ पत्रकारों ने इस घटना पर अपनी बात रखी है। जेएनयू में किसने चलाया घूसे और लात? जेएनयू हिंसा पर सुनिए पत्रकारों की बात। रविवार को हुई हिंसा में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष के सिर पर काफी गंभीर चोट आई। हॉकी और रॉड से लैस दर्जनों नकाबपोश बदमाशों ने रविवार को जेएनयू परिसर में घुसकर छात्रों और शिक्षकों पर किस तरह हमला किया, ये आप सोशल मीडिया पर वायरल इस वीडियो में देख सकते हैं। भयावह हिंसा पर पत्रकार बरखा दत्त ने एक वीडियो ट्वीट कर लिखा, यहां भीड़ लोहे की रॉड और लाठियों से लैस होकर जेएनयू कैंपस में खुलेआम घूम रही है। मुख्य द्वार ब्लॉक कर दिया गया है, मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। पत्रकार राजदीप सरदेसाई ने ट्वीट किया, अगर कोई वीसी छात्रों और संकायों के खिलाफ परिसर में हिंसा को रोक नहीं सकता और मूक पर्यवेक्षक बना रहता है तो क्या ऐसा व्यक्ति पद पर रहने के लायक है? खून से लथपथ शिक्षकों और छात्रों की ये तस्वीरें शर्मनाक है, तो हमें उन नकाबपोशों को क्या कहना चाहिए जिन्होंने जेएनयू में छात्रों और फैकल्टी को लाठी और डंडों से पीटा? खान मार्केट गैंग, अर्बन नक्सल, टुकड़े टुकड़े गैंग या सिर्फ देशद्रोही? महिलाओं को मारते हो, बहादुर बनते हो, फिर इतना सन्नाटा क्यों? पत्रकार नरेंद्र नाथ मिश्रा ने ट्वीट किया, जेएनयू से आ रही शर्मनाक तस्वीर देश की सबसे बेहतरीन यूनिवर्सिटी से आई तस्वीर से सबको शर्मसार होना चाहिए। पत्रकार सुशांत सिन्हा ने ट्वीट किया, जो महानुभाव कल तक छाती पीट रहे थे कि पुलिस जामिया कैंपस के अंदर कैसे घुस सकती है, वो आज इस बात पर छाती पीट रहे हैं कि पुलिस जेएनयू के अंदर घुस क्यों नहीं रही। मन बना लो भाई, चाहते क्या हो? ये नकाबपोश गुंडों की नौटंकी कल की नहीं बल्कि कई दिन से चल रही थी। जेएनयू प्रशासन के स्टेटमेंट के मुताबिक पहले छात्रों को रजिस्ट्रेशन से रोकने के लिए नकाब पहनकर सर्वर रूम में हंगामा किया गया था कुछ दिन पहले, फिर पढ़ने वाले छात्रों को रोका गया और कल इंतहा हो गई। पत्रकार सुरेश चव्हाणके ने कुछ हैशटैग का जिक्र करते हुए ट्वीट किया, ये सारे हैशटैग दिल्ली चुनाव संपन्न होने तक इसी तरह चलते रहेंगे। एबीवीपी को सावधान, सतर्क और साथ ही पूरी तैयारी भी रखना चाहिए, ये पहले से तय हमला है। पत्रकार विनोद कापड़ी ने इशारों इशारों में मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए ट्वीट किया, बापू बापू जपते हो, गोली गाली देते हो, अंबेडकर का नाम लेकर संविधान ही जलाते हो, मुंह में राम राम बगल में छुरी छिपाते हो, वंदे मातरम के नारों से मातम ही फैलाते हो, अरे कायर है हिम्मत तो उतार नकाब, दिखा अपना असली चेहरा, है हिम्मत। पत्रकार अजीत अंजुम ने लिखा, जामिया की लाइब्रेरी में घुसकर निहत्थे और बेकसूर छात्र छात्राओं पर लाठियां बरसाने वाली दिल्ली पुलिस ने नकाबपोश गुंडों को इतनी छूट क्यों दी? ये गुंडे उत्पात मचाते रहे और पुलिस ने सब होने दिया, क्योंकि जेएनयू हमले का मकसद वहां के छात्रों को सबक सिखाना था। दिल्ली पुलिस के आकाओं को बताना चाहिए कि ये नकाबपोश किनके पाले हुए पट्टे थे, इनकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? पत्रकार राहुल कमल ने ट्वीट किया, दिल्ली पुलिस को जेएनयू छात्रों पर हमला करने वाले नकाबपोश गुंडों की शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित करनी चाहिए, ये देशद्रोहियों का असली टुकड़े टुकड़े गिरोह है और उन्हें कानून की पूरी ताकत से निपटने की जरूरत है। छात्रों पर हमला निंदनीय है और पुलिस को वास्तविक उद्देश्य के साथ काम करना चाहिए। बता दें, रविवार की शाम जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में फिर हिंसा भड़क उठी। इस दौरान कुछ नकाबपोश लोगों ने साबरमती और अन्य हॉस्टल में घुसकर तोड़फोड़ की और पथराव किया।
इस मामले को लेकर यूनिवर्सिटी का कहना है कि कुछ नकाबपोश लोग जेएनयू कैंपस में घुस आए और लोगों पर हमला किया। इसके साथ ही संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। इस हमले में जेएनयू छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष हमले में बुरी तरह घायल हो गई। इसके साथ ही 40 से ज्यादा छात्र और शिक्षक भी हमले में घायल हुए, जिन्हें एम्स में भर्ती कराया गया है।